दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप ही के अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों आज का वो वीडियो है जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दूंगा आने वाले वीडियो से बहुत ही इंप्रूविंग क्वालिटी, मतलब वीडियो में बहुत ज्यादा HD क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ कि ऐसे कैमरे की अनबॉक्सिंग जो काफी यूट्यूबर इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि उसका रिव्यू भी किया है काफी लोगों ने, और रिव्यू करने के साथ साथ उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा फुल HD उसकी क्वालिटी है। उसी के साथ साथ जो पिक्सल्स है वो भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा एक्चुअली पिक्सल्स क्या होते हैं, तो आप इस पर ज्यादा गहराई में न जाए। तो उस कैमरे का नाम क्या है, उस कैमरे का नाम सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि यार ये वाला कैमरा तो वास्तव में काफी अच्छा है, क्योंकि आप ही लोगों का जो है जाना माना नाम हो, बहुत ज्यादा सुना भी होगा इस कैमरे के बारे में। तो इस कैमरे का नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस कैमरे का नाम है निकोन कूल पिक्स B500, और पॉइंट शूटर कैमरा है ये, और काफी फुल HD इसकी क्वालिटी है, और इसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो इस कैमरे को मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट के जरिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग ही करने वाला हूं। अब आगे आने वाले इसके दो पार्ट होंगे, उसमें मैं इसका रिव्यू करूंगा, फिर इसकी जूमिंग क्वालिटी को आपके बताऊंगा कि किस तरह की इसकी जूमिंग क्वालिटी है, कितना जूम ये होता है, कितना जूम ये करता है। ये SLR है, मतलब DSLR तो नहीं SLR है, लेकिन DSLR की सेम क्वालिटी हमें देता है, और काफी मतलब बजट में है, काफी अच्छे बजट में है। और ये मेरे को कुछ 15,000 कुछ रुपयों का पड़ा है, और लगभग एक्चुअली क्या होता है कि आप जो है इसकी करंट रेट जानने के लिए आप इसकी लिंक पर क्लिक करके देखें, क्योंकि इनकी जो रेट है वो कम ज्यादा बहुत ही कम ज्यादा होती रहती है। एक्चुअली क्या होता है कि इन ये जो ई कॉमर्स की साइट्स है, इन ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग चलती है ये साइट्स, ये चलती है कि मान लीजिए आज कोई कैमरा है तो मान लीजिए 50,000 रुपए का है, तो आपको वेट करना चाहिए, जब उसका ऑफर आता है तो वो थोड़े बहुत रुपए नहीं, आधे से भी कम दाम में 25 या 20 या 15,000 रुपए में आपको मिल जाता है, क्योंकि इनकी रेट बहुत ज्यादा अप डाउन होती रहती है, बहुत ही ज्यादा मैंने देखा है इनकी रेट बहुत ज्यादा अप डाउन होती रहती है। तो आपको जो है ऑफर का इंतजार करना है, तो मैंने तो अभी 15,000 कुछ रुपए में मंगा, और अभी इसकी काफी अच्छी डील चल रही है, आप चाहे तो भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कैमरा, ये देखिए बहुत ही बड़ी सी अनबॉक्सिंग आई है, और इसकी थोड़ी सी पैकिंग क्वालिटी थोड़ी कमी ही आई है, बाकी काफी अच्छी आती है। तो ये देखिए ये वाला जो कैमरा है, और यहाँ पर इसका बिल है, जो कि मैं हर अनबॉक्सिंग में बताता हूँ, वो तो अब आप अच्छे से जान ही गए होंगे। यहाँ पर इसकी जो रेट लिखी हुई है 15,472 रुपए, मतलब 15,500 रुपए का मुझे पड़ा है। इसके साथ क्या क्या आने वाला है वो हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको ज्यादा खोलने की तो कुछ आवश्यकता पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्यादा पैकिंग में नहीं आया है इस बार हमारे पास, बाकी हर बार तो जो है प्रोडक्ट काफी पैकिंग में आते हैं, हमें तो डायरेक्ट ऐसे ही खोलना है, तो मैं इसको सिंपली ऐसे खोल लेता हूँ। उसके बाद में जो देखिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है प्यारी सी जो हर बार आती है, उसी के साथ देखिए बिल है इसमें, और ये वाला बिल है, और इस बिल को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको क्या है ये। उसके बाद भी हम क्या देखते हैं, ये देखिए ये इसके साथ क्या है, इसकी बबल रेफर, जो कि हर प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए आती है, बबल रेफर ही में है, हम इन्हें बोलते हैं, आप भी जानते हैं, मतलब गुब्बारों वाली खेलिया, काफी मजा आता है इनको फोड़ने में, मेरे को भी खूब बहुत ज्यादा मजा आता है। चलिए इसको उठा लेता हूँ मैं सिंपली, और उसी के साथ जैसे ही मैं इसको उठाता हूँ, तो ये देखिए इसके साथ सबसे पहले तो जो इसका चार्जिंग वगैरह आया है, जिसे हम रिचार्जेबल, और यहाँ पर जो इसके अंदर सेल आए हैं, ये देखिए इसकी जो केबल है वो है, और यहाँ पर जो इसकी सेल और इसका चार्जिंग आया है, रिचार्जेबल सेल्स है, और 4 सेल्स जो है रिचार्जेबल्स होते हैं, और कुछ सेल्स जो है मतलब 4 सेल और आएंगे जो कि चार्जेबल है, और ये रिचार्जेबल सॉरी नॉन चार्जेबल है। और तो ये जो इसके साथ सेल आए हैं वो तो है चार्जेबल सेल्स, और इसके अंदर को अभी 4 सेल्स और आएंगे, जैसा कि डील पर लिखा हुआ था, वो 4 सेल होंगे नॉन चार्जेबल। तो ये है जो है चार्जेबल सेल्स है, और इनकी क्वालिटी काफी बेहतर है, और इस चार्जर की क्वालिटी भी काफी बेहतर है, और जो हम देखेंगे आगे इसका और मैं बता दूंगा आपको इसकी क्वालिफिकेशन, तो आप देख लीजिए इन्हें अच्छे से, मैं बता दूं आपको। उसी के साथ साथ देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल ही और जो इसके सामान आए हैं इसके साथ वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मुझे केबल मिली है, जिसे हम HDMI केबल बोलते हैं, और यहाँ पर देखिए ये केबल की क्वालिटी काफी बेहतरीन है, और ये केबल काफी जो है काम आती है हमारे इसी जो है कैमरे को अटैच करने के लिए।
और साथ ही साथ इसी HDMI केबल के मदद से हम अपनी बड़ी बड़ी LCD LED हुई या फिर QLED हुई, QLED तो बहुत ज्यादा हाई होगी, हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, तो या मतलब लैपटॉप कंप्यूटर किसी से भी अटैच करना हो, आपकी इमेज डालनी हो, लेनी हो, बाहर करनी हो, मतलब इस कैमरे को तो अटैच करने के लिए आती है। उसी के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो बैग आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही प्यारा सा बैग मुझे लगा और इसकी सेफ्टी काफी अच्छी से आई है। और ये वाला जो इसका बैग है बहुत ही प्यारा सा निकोन इस पर लिखा हुआ है और काफी कैरी करने के लिए काफी अच्छा है। और कितना छोटा है, कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, आप भी देख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, और ये मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा, देखिए कितना सा प्यारा सा लग रहा है ना। अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ, उसके बाद में हम अपने कैमरे को जल्दी से ऑन कर लेते हैं, इसको सॉरी अनबॉक्सिंग इसकी भी हम कर लेते हैं। और इसके साथ सबसे बेहतरीन क्वालिटी की हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो 16 GB का मेमोरी कार्ड हमारे सामने आया है, ये देखिए 16 GB का जो मेमोरी कार्ड है वो काफी बेहतरीन है और काफी अच्छा है हमारे लिए। और जो है मतलब इससे हम जो है फ्री हमारे साथ इसके कैमरे के साथ आता है, तो ये भी काफी बोनस पॉइंट है इसके साथ। और उसी के साथ साथ मैं आगे बात कर लेता हूँ, तो आगे हम इसको ऑन करें तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग और करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी पैकिंग ज्यादा आएगी तो आप उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। तो इस तरह से आप इसको सिंपली जो है ओपन कर ले और यहाँ से देखिए इसको बाहर निकालेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। थोड़ा कैरी करके करे, ज्यादा जल्दीबाजी ना करे वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। और यहाँ पर जो है कि ये यूजर मैनुअल जो आती है आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं वीडियो के माध्यम से बता ही रहा हूँ ना यार क्या करना है इसको आपको। यहाँ पर जो इसके अदर विल वगैरह यूजर मैनुअल ही है ये भी सिंपली इनको यूज करने के लिए। बाकी जो है आपको कैमरे से एक्सपर्ट से मैं सलाह और देकर बता दूंगा ये किस तरह से यूज होते हैं। और देखिए जो अभी अभी मैंने बात की थी जो चार्जेबल सेल्स की, जो नॉन चार्जेबल सेल है वो ये वाले जो सेल है वो नॉन चार्जेबल है, मतलब इन्हें अभी चार्ज करेंगे हम और तभी हम इसका यूज कर पाते हैं। अब ये तो नॉन चार्जेबल सेल हो गए, इनको भी मैं साइड में डाल देता हूँ यार कितना सारा सामान आ गया। और यहाँ पर जो हम देखने को मिल रहे हैं इसके एक छोटी सी प्यारी सी और केबल है जिसको भी हम कैमरे को अटैच करने के लिए, सॉरी ये जो है USB केबल है और इस USB केबल की सहायता से भी हम कैमरे को अटैच वगैरह करते हैं और आप जानते हैं इनका सिंपल यूज। तो अब बात कर लेते हैं अपने कैमरे की और उसके बाद में और इसमें से क्या निकलता है यार, अभी तो बहुत सारा खजाना बाकी है। ये तो यार मैंने बताना आपको भूल ही गया, ये जो है हमारे बैग के साथ अटैच होती है, वो डस्ट आती है ना जिसे हम बोलते हैं अलग से गले में टांगने के लिए, देखिए इस तरह से आती है और इसको हम अपने बैग के साथ जो है सिंपली अटैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अटैच करेंगे और बैग को इस तरह से हम लटकाएंगे, कितना प्यारा लगेगा, ये लाइक है स्टूडियो, मतलब स्टूडियो की तरह लगेगा और आपका जो है क्वालिटी काफी इंप्रूव करेगा और आपको कैरी करने के लिए बहुत ही प्यारी तरीके दिया हुआ है। और ये जो डोर आपको दिख रही है ना प्यारी सी, इसका यूज एक्चुअली होता क्या है, आपकी ये डस्ट वगैरह जब टूट जाती है तो इसको जो है उसे बांधने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। कई बार मैंने देखा है आपकी डस्ट जो है हमेशा के लिए जो है कैरी नहीं रह पाती है, तो यहाँ पर इनका यूज इनको अटैच करने के लिए इनसे भी काफी आसानी से हो सकता है। यहाँ से इस तरह से इसको अटैच करते हैं। चलिए अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ, अब बात कर लेते हैं अपने कैमरे की। सबसे पहली जो हॉट डील आई है देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है ना। और ये देखिए यहाँ पर इसका बॉक्स जो है खाली है पूरा, देख लीजिए यार मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। और अब देखिए ये वाला जो है कैमरा, कर दूं ऑन, देखना चाहोगे? चलिए दिखाई देता हूँ, कल देखिए, चलिए अभी दिखाता हूँ। ये देखिए पहले इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बहुत गुस्सा हो रहा है, हट्टा ना यार पहले कैमरा दिखा, लगता ये रहा ना। तो देखिए ना आप ही के लिए कितना प्यारा कैमरा है ये, देखिए यहाँ से जो है इस कैमरे के जो है काफी अच्छी लुक आप देखने को मिल सकती है आपको। उसी के साथ साथ क्या है कि आपको यहाँ से इस कैमरे का जो है अटैचमेंट जो आता है इसको ढकने के लिए जो है उसके कैरी करने के लिए सिंपली हम इसे बोल सकते हैं निकोन का, कि देखिए कितनी प्यारी ब्रांड लग रही है ना। और यहाँ पर इसका लेंस देखिए कितना प्यारा क्यूट सा आ रहा है, और यहाँ से आप इसकी जो लाइट है उसको उठा सकते हैं इस तरह से, इसके साथ जो है फ्लैश लाइट है जो कि काफी अच्छी फ्लैश देती है हमें। और यहाँ से इसकी जो है डिस्प्ले वगैरह है और बाकी की इसको कैसे यूज करना है ये आप सब जानते होंगे कैमरे के बारे में, लेकिन इसका जो रिव्यू जो है मैं अगले वीडियो में आपको जरूर कहूंगा। और इसका लेंस जो है काफी बेहतर है, और यहाँ से आप देखना चाहते हो इसका लेंस जो है आगे की तरफ निकलता है, और ये सब रिव्यू आप सभी जानते हैं सिंपली। तो यहाँ से ये तो हो गया इसका थोड़ा बहुत रिव्यू, तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको यूज करना है, क्या इसकी क्वालिटी है, कितनी क्वालिटी मुझे ये दे रहा है, कितना इंप्रूवमेंट दे रहा है, और आप भी आने वाले वीडियो में काफी HD क्वालिटी देखने वाले हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये माइक्रोफोन से अटैच होता है इधर से, सॉरी माइक्रोफोन सॉरी
ट्राइपोड से ये ऑर्डर होता है, ट्राइपोड से जो है ये अटैच होता है, माउंट होता है, और यहाँ से देखिए ट्राइपोड से माउंट हो जाएगा, उसके साथ साथ इसकी जो डिस्प्ले है यहाँ से जो माउंट वगैरह होती है आपने देखा भी होगा कई बार, और उसी के साथ साथ ये कैमरा है। और हम आगे आने वाले वीडियो के दो पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, एक में तो इसका थोड़ा बहुत रिव्यू करूंगा जिसमें बताऊंगा किस तरह से ये चलता है, कैसा वर्क करता है, अच्छा वर्क करता है कि नहीं करता, अभी तो सुना है, मैं देखूंगा कैसा वर्क करता है। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा इसकी जूमिंग क्वालिटी क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।